है मैं बेटा अभी मेरा नाम सुमेरा आपकी कितनी एज है? मेरी 10 इयर्स। आप पढ़ते हो? हाँ जी। उस दिन क्या हुआ था, बाबा ने क्यों फायर मारा आपको? आप मैं सीधी सीधी बात बताऊं कि मेरा बाबा बहुत अच्छा है, हमारे साथ बहुत प्यार करता था। मेरे बाबा हमारे साथ इतना प्यार करता था कोई मिसाल नहीं। फिर उस दिन क्या हुआ था, मैं वही तो पूछ। मेरे पापा का कुछ भी नहीं, थोड़ा सा दिमाग को कुछ हो गया था और गुस्से में आकर हमने किसी से लड़ाई हुई थी? दादू से या मामा से? दादू से। क्या झगड़ा किया था? इस बात में मुझे नहीं पता। तो आप कहाँ पे थी उस वक्त? उस बात में मैं वॉशरूम में थी। वॉशरूम में थी तो आप बाहर निकली तो क्या देखा? भाई मैं निकली, मैं पढ़ाई कर रही थी। वॉशरूम में थोड़ी पढ़ाई करते हैं, वॉशरूम से बाहर अंदर बैठ के चटाई बिछा के ना। अच्छा, फिर आवाज क्या आई? पढ़ाई करो। हाँ जी। फिर आवाज क्या आई बाहर से? बस ऐसे जगह ऊंचे ऊंचे आवाज कर रहे थे तो मुझे नहीं सही बात। फिर आप बाहर निकली तो क्या देखा? बाहर में निकली, पापा अंदर आए थे। अंदर आए थे पापा कमरे में? कहाँ गोली लगी आपको? टांग पे लगी। मेरे पापा को छोड़ दी। मेरे पापा पापा आपके हमारे पास नहीं है। आपके पापा मेरे पापा का छोड़ के मेरे पापा को उमेरा आपके से पापा की लड़ाई हुई थी उस दिन? नहीं। तो फिर उमेरा आपके को क्यों मारा पापा ने? बस गुस्से में मारा। वो क्या कर रही थी उसको? उस वक्त बर्तन धो के खड़ी होकर पानी बैठ के पी रही थी। अच्छा, पानी पी रही थी। हाँ जी। मामा किधर थी आपकी? मामा भी घर थी। मामा घर थे? हाँ जी। तो मामा को मारा था पापा ने उस दिन? नहीं। मामा को कुछ भी नहीं कहा? नहीं। बहुत प्यार करती है बड़ी अपना पापा से। हैं, चलो रोना नहीं। अच्छा, तबीयत खराब हो जाएगी, फिर रोना नहीं। ठीक नाजिन, ये तो एक बेटी है, दूसरी बच्ची से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। बेटियां कहीं ना कहीं फिर भी बाप से बहुत लगाव रखती हैं और उसका एक नज़ारा आपने खुद उसकी आंख से बहता आंसू देख लिया। माँ बाप, खासकर बाप के साथ बेटियां बहुत अटैच होती हैं। ये पराए घर जाके भी खामद की इजाजत से मिलती हैं, लेकिन पिछले घर को जरूर याद रखती हैं। ये फर्क होता है बेटे और बेटी में, लेकिन ये डिफरेंस हमारे दही इलाकों के लोग शायद कम समझते हैं। अब दूसरी बेटी से बात करते हैं, उससे जानते हैं कि उस दिन हुआ क्या था, वालिद ने क्यों इतना इंतहाई कदम उठाया, उसी से बात करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? दुर्गा की वजह से पापा को हमने माफ कर दिया। माफ कर दिया पापा को आपने? सबने माफ कर दी। आपने भी कर दिया? आपको जब फायर लगा कहाँ थी उस वक्त? मैं तो पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई कर रही थी, अंदर बैठी थी। हाँ जी। अचानक आवाज सुनी किसी झगड़े की? नहीं। नाजिन, ये बच्ची है, शायद बात करने की पोजीशन में नहीं है, चिल्ड्रन वार्ड में है, छोटी बच्ची है काफी। भाई मौजूद है, चूंकि इकलौता बेटा था ये उस घर का, सात बहनें और अब एक भाई। भाई भी काफी बड़ा है, कोई बहुत मासूम बच्चा नहीं है कि हम बताए ना कोई बात। भाई से पूछते हैं कि वालिद ने ऐसा कदम क्यों उठाया, किसी से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जमशेद। जमशेद, जमशेद क्या एज है आपकी? मेरी 17 साल। वो ने जिस चीज से फायर मारे, यानी कि वो पिस्तौल, वो असला, वो घर में आप लोगों का अपना लाइसेंस ही आपका है? सामने नहीं, ऐसे गंदा पता ही। पहले कभी नहीं देखा घर में? नहीं देखा। अच्छा, अब वो गुस्से के तेज थे, कभी आपको मारा? नहीं। कभी नहीं मारा? नहीं, प्यार बड़ा करते हैं। कभी अम्मी के साथ लड़ाई की? कभी उनके हाथ उठाया? अम्मी सानू मारती थी, तो अम्मी ना कहते थे ना मार, मेरी बेटियां बैठे हैं। प्यार करते थे? हाँ जी। अब अब्बू के साथ क्या होना चाहिए, आप तो इकलौते बेटे हैं। ओ तो सुहा कोई नहीं गई का, मैं पढ़ता ही, मेरे अब्बू ने छोड़ दो, गलती करेगा तो मैं तो आपको अपने अब्बू से।